अच्छा सर, बात करें गाने की तो किस तरह गाना है, क्या मूड का गाना है पता हमें देखा ना, फिर भी बड़ा मुझे गाना एक्चुअली हमारा रिलीज़ हो चुका है 15 फरवरी को हॉलीवुड वाले नखरे। सो पहले तो मैं सीधा गाने की बात कर रहा हूँ, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, आप सब लोग आए उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। और गाना हॉलीवुड वाले नखरे बहुत ही प्यार मिल रहा है गाने को, फीचरिंग सनी लियोनी। सो मेरा डेब्यू गाना है और सनी है गाने में, जो कि हमारे लिए मैं बोलूँगा कि मेरा बहुत ही भाग्य मेरे को लगता है बहुत अच्छा है, हिंदी में अगर मैं शुद्ध हिंदी में बोलूँ तो इट्स माय गुड फॉर्चून कि सनी है उसमें। और ये हमारे प्रोड्यूसर हितेंद्र कपोपारा, जो कि मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं एच के फिल्म्स, जिन्होंने मेरे को लॉन्च किया एज अ सिंगर, और थैंक यू सो मच, जो कि मैं इनको कर करके थक गया हूँ अभी, थैंक्स बोल बोल के। और बहुत ही अच्छा रिस्पांस मिल रहा है लोगों से, बहुत प्यार मिल रहा है, और इसीलिए हमने दैट इज़ द रीज़न हमने सोचा कि यार कीप ऑन, लेट्स नॉट यू नो स्टॉप हेयर, लेट्स कीप ऑन प्रमोटिंग द सॉन्ग, क्योंकि लोग इतना प्यार दे रहे हैं तो हम रिलीज़ के बाद भी गाने को प्रमोट कर रहे हैं। और हमें ये है कि ये घर घर तक गाना पहुँचे, लोग इतनी इसकी यूथफुल स्पिरिट है। गाना ग्रीस में शूट हुआ है और यस, बाकी आप और पूछ लो और जो भी आपका क्वेश्चन है सर। आपके बात को सर, 5 साल जुड़े हुए हैं सनी जी के साथ, सनी मैम के साथ, कैसे सोचा कि चलो गाने को प्रोड्यूस कर दिया जाए? हम लोग ने इस छोटे स्केल से स्टार्ट किया था गाने के लिए, एंड जस्ट म्यूज़िक रेडी हुआ तो मैं सनी और डैनियल को बताने गया कि आई एम मेकिंग अ म्यूज़िक वीडियो एंड ऑल। फिर मैंने बोला कि इफ़ सनी होती थी तो बेस्ट होता, तो डैनियल ने बोला कि ऑफकोर्स, हम लोग तुम्हारे लिए हमेशा रेडी है, हाँ बोल दे खाली। तो मैंने बोला ऑफकोर्स वो अच्छा हो जाएगा, सनी आ जाएगी, तो उसने हाँ बोल दिया और फटाफट सबके वीज़ा लगाए, हम लोग ग्रीस गए शूट करने के लिए, आए और हम लोग ने रिलीज़ किया, 800 लोगों को बहुत अच्छा लगा, और जी म्यूजिक ने वीडियो रिलीज किया है तो वेरी नाइस। सर आपके ये मेरे दोस्त है हितेंद्र, इनका गाना मैं जब सुना मुझे बहुत अच्छा लगा, और फिर बाद में मैं बोला भाई को कि कुछ इसको और प्रमोट करना चाहिए, हर जगह पे प्रमोट करना चाहिए, जैसे यूट्यूब होता है, यूट्यूब के ऊपर जो लोकल चैनल्स होते हैं तो उस जगह पे आज प्रमोट कर रहे हैं, और मुझे अच्छा लगा और गाना सुन के भी बहुत अच्छा लगा, और भाई भी इतने दूर से आए, थैंक यू सो मच यार, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी यार, माय प्लेजर। टाइटल की हॉलीवुड वाले नखरे, ये टाइटल कहां से चलने में आया था, कैसे कैसे फर्स्ट आपने सुना था तब आपका क्या रिएक्शन? एक्चुअली जो टाइटल है वो गाना बनने के बाद डिसाइड हुआ, और टाइटल भी बना, मेरे को लगता है कि हर गाना जब भी बनता है कोई, उसकी एक अपनी उसकी किस्मत होती है, तो ये गाना आई थिंक इट बिलोंग्स टू सनी लियोनी। सो उनके ऊपर ये गाना इतना एप्ट था कि हालांकि सनी को बाद में गाने का पता चला, बट गाना जब हमने सुना एंड हमने विजुलाइज़ किया, कॉन्सेप्ट डिसाइड हुआ कि ये गाना यहाँ पर शूट होगा सनी के ऊपर, ऐसे इसको हम कॉन्सेप्ट को बनाएंगे, तो हमें लगा कि यार ये तो मतलब एक्चुअली सनी के लिए ही है, क्योंकि हॉलीवुड वाले नखरे ऑल द वे फ्रॉम द US, वो US से यहाँ आए हुए हैं और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं यहाँ पर, तो ये गाना हमें वहाँ से हमें लगा कि यार ये गाने का नाम यही होना चाहिए, हॉलीवुड वाले नखरे, क्योंकि एक्चुअली इसका कहीं ना कहीं कोरस भी है, ये रिपीट हो रहा है लाइन गाने में बार बार, तो ऐसे ही सबने ये एक्चुअली टीम, मेरे को लगता है टीम वर्क है, सो टीम जब बैठती है तो बहुत सारे क्रिएटिव आइडियाज़ आते हैं दिमाग में, तो सब टीम ने मिलकर ही डिसाइड किया कि ये नाम हॉलीवुड वाले नखरे ही होगा, और जब नाम डिसाइड हुआ तो उसके बाद वो नाम के हिसाब से वो सनी भी हमारे हमारी टीम का हिस्सा बन गए, एक्चुअली हम उनके साथ हम हिस्सा बने हैं सनी लियोनी का, द सनी लियोनी का, वो तो हमेशा से वहाँ पर हैं। आने वाले समय में और भी नए गाने आप प्रोड्यूस करने वाले हो सनी लियोनी के लिए, देखने मिलेगा? जल्दी देखने मिलेगा। और इस गाने का क्या रिव्यू कैसा आपको लोगों की तरफ से क्या रिव्यू आया है? आज ही गाने का 5 दिन के अंदर 4 मिलियन हो गया, और पीपल प्यार कर रहे हैं गाने को और अच्छा कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं ऑल, तो लोगों को अच्छा लग रहा है, और हमारे कंपोजर ने भी बहुत अच्छा म्यूजिक बनाया है। तनवीर कोहली कितनी एक्साइटेड थी आफ्टर डूइंग दिस सॉन्ग, हाउ वाज शी, हाउ आर वो तो बहुत, उसको बोला कि हम लोग ये गाना कर रहे हो, सबसे एक्साइटेड वो थी कि ग्रीस जाएंगे, ऐसा शूट करेंगे, ये करेंगे, ये करेंगे, यहाँ से ये करना, तो सबसे इतने एक्साइटेड थी कि वो ग्रीस आने के बाद भी उसने इतना ज़्यादा किया कि ओके ये करते, यहाँ पे जाके यहाँ पे शूट करते, मैं यहाँ पर टाइम पे कि और ज़्यादा शूट करो, ये करो, ग्रीस आए तो ग्रीस को एकदम अच्छी तरह से दिखाओ, तो सनी बहुत एक्साइटेड थी वीडियो के लिए। आपने पहले से था या ग्रीस बाद में ट्राई हुआ? नहीं, ग्रीस हमारे माइंड में था कि नो जस्ट एक ग्रीस जाके शूट करते समथिंग ऐसा, बट सनी आई फिर उसके बाद हम लोग ने एकदम श्योर कर दिया अभी तो ग्रीस ही जाना है, सनी ने हाँ बोल दिया तो अभी ग्रीस ही जाना है। सनी आने के बाद बड़ा मतलब खर्चा और बढ़ गया, ग्रीस जाना है तो
फिर गाना बड़ा बन गया, सनी आने के बाद गाना बहुत बड़ा बन गया। बिकॉज हम लोग को लगा था हॉलीवुड वाले नखरे का जो टाइटल था ना वो फिर इंडिया में ये वो नहीं था कि हॉलीवुड लोग फॉरेन लोकेशन दिखाई ये सब, तो हम लोग को पहले था कि अब्रॉड जाके शूट करें। नखरे लेकिन स्टाइल स्वैग एंड ऑल सनी का एंड ऑल द लव द ब्यूटी शॉट्स एंड वो लाइक नखरे। एक्चुअली मेरे को लगता है म्यूजिक जो है वो यू नो एंटरटेनमेंट के लिए होता है, और म्यूजिक ऐसी चीज़ है मेरे को लगता है कि वो हर एज ग्रुप का बंदा सुनता है, वो चाहे कोई भी हो, बच्चा हो, बड़ा हो, बूढ़ा हो, कोई भी हो, सब सब हर एज ग्रुप एंजॉय करता है। और ये जो हम आप बोल रहे हो कि हॉलीवुड वाले नखरे क्या है, एक्चुअली मेरे को लगता है कि ये भी एक वही उसी इंडस्ट्री का पार्ट है, वही वो जो अदाएं हैं सनी लियोनी की, जो एक्चुअली मैंने उनके साथ शूट किया है, बट मैं खुद गाने को इतना एंजॉय करता हूँ उनकी मैं अदाकारी को देखते हुए, मैं खुद बहुत एंजॉय करता हूँ वीडियो जब भी देखता हूँ, तो मेरे को भी ये कि व्यूज़ भी बढ़ जाए यार, मैं बार बार यूट्यूब पर देखता रहता हूँ। सर आपने इसमें गाना भी गाया है प्लस एक्ट भी किया है, जी हाउ वाज योर एक्सपीरियंस वर्किंग विद सनी लियोनी? नर्वस थे या एक्साइटमेंट था कि नहीं? एक्चुअली मेरी जब हम जा रहे थे शूट के लिए तो बहुत ही वो मिक्स फीलिंग्स थी कि एक्साइटेड मैं बहुत था और नर्वस भी था कि अभी सबकी एक्सपेक्टेशंस पूरी टीम की मेरे से बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि अभी सनी लियोनी है गाने में तो मेरे को अपना 100% नहीं 200% देना है, मतलब हर साइड से एज अ सिंगर कम एक्टर। और तो मैंने अपना मतलब मैंने यही सोचा था कि यार कि ये अपॉर्चुनिटी सबको मिलती नहीं है, इट ऑल हैपेंड बिकॉज ऑफ हितेंद्र कपूरपारा एच के फिल्म, एंड मैं बार बार वही इनका थैंक्स करता रहता हूँ कि इन्होंने मेरे पे विश्वास रखा, इन्होंने मेरे पोटेंशियल पे इनको विश्वास था कि ये कर सकता है। और या दैट्स ऑल रोमांस किया कि नहीं आपने? रोमांस आई थिंक सनी के साथ तो रोमांस मेरे को लगता है कि चाहे उनके साथ कोई वीडियो में शूट कर रहा हो या नहीं कर रहा हो, कोई उनकी वीडियो जब उनको कोई स्क्रीन पे देखता है ना तो उसको भी ये लगता है कि यार मैं मतलब मैं इनके साथ रोमांस कर रहा हूँ, उनकी यू नो उनका ऐसा उनका ऑरा है ऑन स्क्रीन, वो इतनी मेरे को लगता है उनका इतना अच्छा कॉम्बिनेशन है हॉटनेस का क्यूटनेस का सब कुछ है, सो वो फुल पैकेज है। सो मेरे को लगता है कि उनको ज़रूरी नहीं है कि आपको स्क्रीन ही शेयर करनी है रोमांस करने के लिए, आप उनको स्क्रीन पर देखते हुए भी रोमांस कर सकते हो। कैसे कन्विंस किया आपने कि आप हमारे सनी मैडम को कैसे कन्विंस किया आपने? मैं तो डर रहा था सनी को पूछने के, मुझे शर्म आ रहा था कि मैं क्यों कैसे पूछो आई नो, पर मैंने डैनियल को बोला था, डैनियल बोले अरे वी आर योर फैमिली मेम्बर, उसमें लेके गो एंड टेल सनी कि यू हैव टू डू दिस वीडियो, मैंने बोला लाइक यू नो जस्ट ये वीडियो है, तो सनी ने बोला कि ऑफकोर्स तुझे बोलना चाहिए, हम लोग करेंगे तेरे लिए सपोर्ट करेंगे, एक नहीं 10 वीडियो करेंगे, लेट्स गो एंड शूट एंड रॉक द सॉन्ग। तो ऑन सेट में कभी कोई ऐसी नखरे दिखाई मैम ने आपको या नखरे सेट पे? सेट ऑन सेट अरे नहीं नहीं, शी इज वेरी काम, शी इज वेरी कंपैशनेट अबाउट एवरीथिंग एंड एवरीवन, बहुत ही कहते हैं ना जिनके दिल में प्यार होता है सबके लिए, उनके दिल में हर चीज़ के लिए हर इंसान के लिए बहुत प्यार है, और कोई नखरे नहीं ऑन स्क्रीन, चाहे गाने का नाम हॉलीवुड वाले नखरे हैं स्क्रीन पे उनके नखरे दिख रहे हैं, बट ऑफ स्क्रीन उनका कोई भी नखरा नहीं है, उन्होंने एक बार भी किसी भी चीज़ के लिए कोई भी ऐसी डिमांड नहीं की है कि प्रोड्यूसर को सोचना पड़े कि अरे यार ये ऐसे क्यों बोल रही है या ऐसा क्यों हो रहा है। मेरे को लगता है कि इतना ज़्यादा सपोर्ट करे कोई आर्टिस्ट, मैंने पहली बार अपनी लाइफ मैंने बहुत कुछ सीखा उनसे ऑन स्क्रीन, वहाँ पर मैंने ऑफ द कैमरा मैंने बहुत सारी चीज़ें देखी कि वो कैसे अपनी टीम के, उनकी टीम उनकी फैमिली है, तो उनसे मैंने बहुत कुछ सीखा, हालांकि बिना बात किए भी बहुत कुछ सीख लिया, बहुत कुछ मैंने सीखा उनको, मैंने ऑब्जर्व किया कि वो कैसे अपनी लाइफ अपनी रियल लाइफ अपनी वो जीते हैं, उससे मैंने बहुत कुछ सीखा है, बहुत कुछ सीखने को मिला, एंड शी इज़ वेरी डाउन टू अर्थ। इस सॉन्ग के बाद क्या आपको ऑफर्स आए बॉलीवुड से काफ़ी? एक्चुअली ऑफर्स बॉलीवुड से तो कुछ ऐसा नहीं है डेफिनेटली, बट आगे जो प्रोजेक्ट्स हैं वो लाइंड अप हो गए हैं, सो बहुत जल्दी अगला प्रोजेक्ट भी हम अनाउंस करेंगे, बट राइट नाउ हमारा फोकस यही है कि हम हॉलीवुड वाले नखरे ये गाना अक्रॉस द ग्लोब हर जगह सबके घर में हर एज ग्रुप का बंदा सुन पाए, और अगला प्रोजेक्ट भी बहुत जल्दी आ रहा है, हमें ऐसा इतना अच्छा फीडबैक मिला है हॉलीवुड वाले नखरे से, सो अभी यही है कि अभी डबल मेहनत करनी है और अगले प्रोजेक्ट को इससे भी अच्छा रिस्पॉन्स मिले, सो विल ट्राई आर लेवल बेस्ट। मेरी और साथी सवाल है कि उस रात क्या हुआ था जैसा आपको पता चला कि सनी लियोनी के साथ में आपको एक गाना करना है, उस रात क्या हुआ? उस रात क्या
नहीं सर, उस दिन मैं आई वॉज द हैप्पीएस्ट, यू नो आई वॉज, यू नो लिटरली मैं भगवान के आगे मैंने हाथ जोड़े कि थैंक यू सो मच कि इतनी अच्छी आर्टिस्ट के साथ मेरे को काम करने का मौका मिल रहा है. और मैंने इनको बार बार उस दिन बोला कि यार थैंक यू सो मच, वॉट एवर इज़ हैपनिंग इट इज़ हैपनिंग बिकॉज ऑफ यू ओनली, और इनकी वजह से ही सब कुछ है. ये मेरे बहुत अच्छे दोस्त भी हैं, पर एक दोस्ती अलग चीज़ होती है. जब काम करते हो तो कोई आप पे विश्वास करे वो बहुत बड़ी बात होती है. और ये सिर्फ मेरे लिए अच्छे नहीं है, इनका करेक्टर जो है अपनी लाइफ में इन टर्म्स ऑफ वर्क, ही इज़ वेरी प्रोफेशनल, ही इज़ वेरी डिसिप्लिन्ड, वेरी ऑर्गेनाइज्ड. इनको पता है अपना काम कैसे करना है. और पहला गाना था इनका एज अ प्रोड्यूसर भी, पर इन्होंने इतने अच्छे से निभाया उसको, ऐसा लगा कि यार ये बंदा काफ़ी देर से इंडस्ट्री में काम कर रहा है. और मेरे को जैसे आपने जो क्वेश्चन था, मैं कहीं और चला गया, आपने क्वेश्चन पूछा कि मेरे को कैसा लगा उस रात, एंड मैं बहुत खुश था. मेरे को लगता है कि ग्रैटिट्यूड इज़ द एटीट्यूड. सो मैं ग्रैटिट्यूड ही फील किया उस दिन रात को कि यार मेरे को ये मौका मिला है, करोड़ों में से एक होगा शायद को जिसको ऐसा मौका मिलता होगा. सो एंड ऑल थैंक्स टू सनी लियोनी एज वेल, उन्होंने अग्री किया कि हाँ हम गाना करते हैं. और एक न्यू कमर के साथ गाना करना बहुत बड़ी बात होती है एक बड़े आर्टिस्ट के लिए, उसको गट्स चाहिए कि हाँ मैं न्यू कमर के साथ काम करूँगी. सो उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया, उन्होंने इतना सोचा कि मैं उस काबिल हूँ कि मैं उनके साथ काम कर सकता हूँ. अलियासगंज जी, अभी आपका भी एक सॉन्ग आ रहा है, तो क्या आप जितेंद्र जी के साथ फ्यूचर में कोई सॉन्ग करोगे आप प्रोजेक्ट में? कोई सॉन्ग के ऊपर तो काम चल रहा है, देखते लेट्स सी. लेकिन भाई का सपोर्ट तो रहेगा हमेशा मुझे. ऑफ कोर्स ऑफ कोर्स, लेट्स सी. और आज भाई से भी मिला का तो उनसे भी कुछ थोड़ा एक्सपीरियंस ले लेंगे. ऑलवेज थैंक यू. थैंक यू. गाने गाना देख लूंगा वैसे. हां जी, सॉन्ग सॉन्ग गाइए ना. ठीक है, मैं गा देता हूं जरूर. होवे ना यकीन मैनू नजरां ते मेरी, जदों वेखदा मैं फोटो तेरी फेसबुक ते, लगदी तू जन्नता दी हूर सोहणी ए नी.